किसानों के प्रदर्शन को छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान की कीमतें 3100 रुपये दी जा सकती हैं, तो किसान की एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसके लिए आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है? यदि किसान आंदोलन कर रहे हैं तो इसका पूरा समर्थन हम करेंगे। देश के किसानों को धान की कीमतें 3100 मिलनी चाहिए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की है कि और भी बाकी सभी उत्पादों की हम एमएसपी पर खरीदी करेंगे। देखिए, राहुल जी ने 5 साल पहले छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपये देने का वादा किया था। हमने 5 साल पूरा 2500 बल्कि उससे बढ़ा के 2600 रुपया दिया और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी दबाव आके यहाँ 3100 रुपये की घोषणा की। जब छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये दिया जा सकता है तो देश के किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिलना चाहिए? एमएसपी गारंटी क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके लिए आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? छत्तीसगढ़ सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कर दिखाया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी जब एक राज्य में 3100 देने की घोषणा की है और बजट में भी शामिल किया, भले मिला नहीं मिला अलग बात है, लेकिन बजट में शामिल तो है, तो यहां 3100 रुपये दे रहे हैं, समर्थन मूल्य से ज्यादा दे रहे हैं। पूरे देश में क्यों नहीं मिलना चाहिए किसानों को? यदि किसान आंदोलन कर रहे हैं तो पूरे समर्थन हम लोगों का है और उन किसान पूरे देश के किसानों को 3100 रुपया धान की कीमत मिलनी चाहिए। उसी प्रकार से दूसरे और भी उत्पाद हैं उसका भी समर्थन मूल्य, जैसे कल खड़गे साहब और राहुल जी ने अंबिकापुर में घोषणा की कि जितने भी उत्पाद हैं उसको हम एमएसपी से खरीदी करेंगे, ये उन्होंने कल घोषणा की है। तो अब तो कुछ बचता नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक राज्य में दे रही है तो पूरे देश में दे, अलग अलग कैसे हो सकता है? अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं सर कि कांग्रेस की गारंटी हमेशा विफल रही है जो एमएसपी पे दिए थे। छत्तीसगढ़ का उदाहरण है, हम 2500 बोले थे उसको 2640 और एमएसपी शुरू करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, खरीदी करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। यदि पंजाब हरियाणा में यदि समर्थन मूल्य खरीदी होता है या मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में जो गेहूं के एमएसपी में खरीदी एफसीआई के द्वारा किया जाता है वो कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसको पिछले समय आपने समझौता किया, उसके बाद माफी भी मांगा और उसके बाद साल भर से कुछ नहीं किया, तो किसान आंदोलन नहीं करेंगे क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सदन अपनी सरकार को घेर रहे हैं, तो ये असंतोष है क्या है? अब भारतीय जनता पार्टी में अभी नए सब पहली बार विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं और नियम प्रक्रिया का जानकारी भी नहीं है, धीरे धीरे सीख भी जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अभी लगातार गिरते भी जा रहे हैं और मंत्री हैं घोषणा भी करते जा रहे हैं, ये नजीर बनते जा रहा है, लगातार घोषणा जो कर रहे हैं तो आगे भी उम्मीद करते हैं इसी प्रकार की घोषणा होगी। ये बीजेपी में जो मंत्री है वो उनके दरबार बैठेंगे कार्यालय में, जनता की समस्या सुनने तमाम मंत्री शेड्यूल भी जारी कर दिया है, कैसे देखते हो? अच्छी बात है, जनता के बीच रहना चाहिए मंत्रियों को ताकि जनता की बात समझ आए। अभी पूरे प्रदेश में किसानों के राशि का भुगतान नहीं हुआ है, बैंक में लिमिट कर दिया गया है, किसी बैंक में 10,000 मिल रहा है, किसी में 20,000 मिल रहा है, किसी में 50,000 मिल रहा है, किसान अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो दरबार लगेगा तो मंत्रियों को जानकारी होगी। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।